इंदौर चिटफंड कंपनी पीएसएल की प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपया लौटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित समिति ने प्रॉपर्टी बेचने की वकायत शुरू कर दी है। इधर सेबी ने निवेशकों को पीएसएल संबंधित दस्तावेज संभालने के लिए हिदायत दी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, वो पल्स की प्रॉपर्टी बेचने से रिलेटेड है। पल्स प्रॉपर्टी बेचने की पूरी अलिफ लैला क्या है, चलिए जानते हैं। चिटफंड कंपनी पीएसएल के निवेशकों को धन लौटाने के लिए जहां एक और जस्टिक आरएम लोढ़ा कमेटी ने पीएसएल की संपत्ति बेचने का काम शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने पीएसएल सामूहिक निवेश मामले में निवेशकों को सलाह दी है कि इससे संबंधित कागजात अपने पास सुरक्षित रखें। कहा है कि दरअसल संपत्तियों का विक्रय करने के पश्चात निवेशकों को धन लौटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को दिए गए आदेश पश्चात भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। 5 अप्रैल के WUCS संख्या 500/2015 आदेश के साथ ही पीठित उत्त आदेश से संबंधित यह समिति पीएसएल के उपभोक्ताओं और निवेशकों को पुनः भुगतान करने के उद्देश्य से सभी संपत्तियों की बिक्री करने का की प्रक्रिया कर रही है। लौटाया जाएंगे धन। सेबी ने निवेशकों को ध्यान अपनी वेबसाइट 13 भाषाओं में आम प्रश्नोत्तरी जारी की है। इसमें निवेशकों को हिदायत दी है कि जब इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया जाता, वे पीएसएल से संबंधित सारे मूल कागजात अपने पास सुरक्षित रखें। निवायक ने निवेशकों के पैसे लौटाए जाने के बारे में कहा कि जैसे कि पीएसएल संपत्तियों की बिक्री कर ली जाएगी, निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। इससे दूसरे कोई समय सीमा दिन बिना कोई निवेशक इसके बाद वेबसाइट देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, इसके बारे में कोई समय सीमा बिना कहा कि निवेशक इसके लिए वेबसाइट देखते रहे। टोल फ्री नंबर 1800-26-67-575 या 1800-22-75-75 पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी है गड़बड़िया। पीएसएल लिमिटेड में निवेशकों को 49,000 करोड़ रुपए रकम जुटाई थी, जिसे सेबी ने नियमों का खिलाफ बताते हुए अगस्त 2014 में निवेशकों के पैसे लौटाने के आदेश दिए थे। कंपनी ने सेबी के आदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने आदेशों को पैसा लौटाना सुनिश्चित करने के लिए पीएसएल की संपत्तियां बेचने के लिए समिति गठित की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि 2014 में निवेशकों को पैसे लौटाने के आदेश दिए थे, कंपनी सेबी के आदेश का उच्चतम न्यायालय को चुनौती दी थी और उच्चतम न्यायालय के निवेशकों का पैसा लौटाना सुनिश्चित करने के लिए पीएसएल संपत्ति को बेचने के लिए समिति गठित की थी। दोस्तों, यहां पर कंपनी को पैसे लौटाने की 2014 में कहा गया था और 2 महीने के अंदर 49,000 करोड़ रुपया लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, प्रक्रिया शुरू करते ही करते इन्होंने पीएसएल की कंपनियों के खाते सीज कर लिए और उनके जो ऑफिस खुले हुए थे उनको बंद कर दिया, उनकी प्रॉपर्टियों को सील कर दिया, मालिकों को जेलों में डाल दिया। तो ये लौटाने की प्रक्रिया 2 महीने में कहाँ से पूरी करते, और इन्होंने 3 साल के अंदर अभी तक एक डेढ़ प्रक्रिया ही चल रही है, 2,500 की और 5,000 की, इसको 3 साल से अभी तक आगे को नहीं बढ़ाया जा रहा और यहाँ पर बात बना रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। ये दोस्तों सब पुरानी न्यूज़ है। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।